गुजराती का वैसे भी एक फंडा होता है कि जब तक वो गुजरात में है तब वो खाएंगे पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन या कॉन्टिनेंटल, लेकिन जब भी वो गुजरात से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर ढूंढते हैं गुजराती। ट्रक पर काफ़ी अच्छी अच्छी लाइन्स लिखी होती है, मौत पसंद है पर बेइज्जती नहीं, दुश्मन चलेगा पर धोखेबाज नहीं। वाह वाह, क्या बात क्या बात। हेलो गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू एसएस फिल्म्स। सो गाइस, कैसे है अपनी फैमिली, होप कि सब बढ़िया ही होंगे। वैसे मैं तो काफ़ी मजे में हूँ और अभी मैं हूँ मनाली में और थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलने का प्लानिंग चल रहा है। सारी की सारे बाइक के लोड हो चुकी है और बस अब सब लोग रेडी हो रहे हैं और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हमें पार करना है दिल्ली को, यानी कि दिल्ली से आगे निकल जाना है। लेकिन देखते हैं आगे एक स्वारघाट करके एक आता है घाट, उसका जो रास्ता है वो कैसा है मुझे मालूम नहीं है, तो देखते हैं रास्ता कैसा है। अगर अच्छा रहा तो दिल्ली से भी आगे निकल जाएंगे, नहीं तो फिर दिल्ली में स्टे ले लेंगे और बाकी बातें करते हैं बाइक पे। अभी वक्त आ चुका है मनाली को छोड़ने का, यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन फिर घर को भी जाना पड़ेगा। और यहाँ से व्यू देखो, और हम यहाँ पर ठहरे थे होटल बियास गंगा पे नीरव भाई के पास। नीरव भाई जो कि राजकोट से है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा और बहुत ही एंजॉय किया हम सब ने साथ मिलके। मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि ये मनाली में मेरा सेकेंड होम है। तो चलिए, इट्स टाइम टू लीव मनाली, तो बाइक को करते हैं स्टार्ट। और किसी भी राइड को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, लेते हैं भगवान का नाम। तो जय माता दी, गणपति बापा मोरिया, हर हर महादेव। चलो, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पर क्योंकि ये जो रोड है ये आगे जाता है मॉल रोड के पास, वहाँ पर निकलता है। तो जो भी यहाँ पर गेस्ट आते हैं घूमने के लिए, जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, वो सारे के सारे जाते हैं मॉल रोड की ओर। इसी वजह से यहाँ पर हैवी वाला ट्रैफिक रहता है। पब्लिक रिएक्शन देखो, आप कौन सी भी लग्जरी कार लेके आ जाओ पब्लिक रिएक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप निकले हो बाइक लेके तो रिएक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। वाव, ऊंचे ऊंचे पेड़, इतनी सारी ग्रीनरी और पहाड़, वाव, व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। और आप किधर भी घूमने जाओ, कहीं पर भी आपको गुजराती मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे गुजराती मिल गए। और गाइज, हम लोग यहाँ पर ठहरे थे होटल बीएस गंगा पे, जिनके ओनर है नीरव भाई और नीरव भाई है गुजराती, तो हमें गुजराती खाना बहुत ही बढ़िया से मिला क्योंकि पिछले कई दिनों से गुजराती फूड जो है वो नहीं खाया था। तो गुजराती का वैसे भी एक फंडा होता है कि जब तक वो गुजरात में है तब वो खाएंगे पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन या कॉन्टिनेंटल, लेकिन जब भी वो गुजरात से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर ढूंढते हैं गुजराती। तो गुजराती फूड के लिए और अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए आपको जाना पड़ेगा होटल बीएस गंगा पे। तो अब मैं तो जब भी मनाली आऊँगा तो मेरा स्टे तो होगा होटल बीएस गंगा पे। तो गाइज, यहाँ से उड़ता है हॉट एयर बलून, देखो अगली बार आएंगे तो इसमें भी बैठेंगे। यहाँ से एग्जैक्ट सामने दिख रहा है स्नो वाला माउंटेन, बट इट्स टाइम टू से गुड बाई टू माउंटेन्स और वापस से हम अपने ग्राउंड वाली जगह पे चले जाएंगे। ये जगह छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, ऐसा होता है कि यहीं रुक जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी। तो यहाँ से होती है रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग
और फिर होती है ज़िपलाइन वाली एक्टिविटी, यानी एडवेंचर एक्टिविटीज़ सारी यहाँ पे होती है। यहाँ से ये हॉट एयर बलून टेक ऑफ करने की तैयारी में। तो यहाँ पर फ्रूट्स का काफ़ी अच्छा खासा मार्केट है, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए थे यहाँ के लोकल फ्रूट्स टेस्ट करने के लिए। देखो वहाँ पर चालू है पैराग्लाइडिंग, वहाँ ऊपर से नीचे तक आते हैं। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं कुल्लू शहर में। काफ़ी बड़ा शहर लगता है। तो कुल्लू से चंडीगढ़ है 262 और दिल्ली है 500। चलो दिल्ली पहुंचते हैं आज। तो यहां से कसोल है 32 किलोमीटर। यहाँ से मंडी है 57 किलोमीटर और चंडीगढ़ है 254। So here is one more tunnel. Your safety is our pride. Tunnel number 12 और इसकी जो length है वो है 5.5 kilometers. This is tunnel number 11. वो गाड़ी से कुछ अनाउंस कर रहे थे लेकिन क्या अनाउंस कर रहे थे वो समझ में नहीं आया, कि यहाँ पर आवाज़ इतनी ज़्यादा रिवर्ब मार रही है कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे। तो यहाँ पर टनल नंबर 11 होती है ख़त्म। फास्टन सीट बेल्ट, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ओके ब्रो। तो आज के दिन का पहला ऑफ रोडिंग वाला पैच थोड़ा सा, और अभी धीरे धीरे गर्मी लगना शुरू हो चुका है, तो कहीं पर आगे रुकेंगे तो सारे वार्मर्स और सब निकालना पड़ेगा। इधर तो ट्रैफिक जाम हो गया रे बाबा, ट्रैफिक हो गया रे। चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी,
भाई कोई इतना जाम लगा रहे। तो दोपहर के बजे शायद से दो और हमने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा स्टे, यानी कि रिफ्रेशमेंट ब्रेक, या फिर कह सकते हो कि लंच ब्रेक। चलिए पेट पूजा करते हैं, बाद में करेंगे सब दूजा। सो हमने यहाँ पर होटल श्री कृष्णा में लंच किया, नाम पढ़ के रुक गए थे, लेकिन जैसा नाम है वैसा काम दिखा नहीं। टेस्ट में फिर भी ओके था, लेकिन स्टाफ का जो बिहेवियर है, माय गॉड, बहुत ही घटिया किस्म का बिहेवियर है, इसलिए यहाँ पर रुकना नहीं है, काफ़ी घटिया बिहेवियर। तो गाइज यहाँ पर और दो टनलें बन रही है, और ये टनल बन गई तो ये जो ट्रैफिक हमने पीछे झेला है वो नहीं झेलना पड़ेगा, और देखो आगे भी झेलने वाले हैं। ये ट्रक पर काफ़ी अच्छी अच्छी लाइन्स लिखी होती है, मौत पसंद है पर बेइज्जती नहीं, दुश्मन चलेगा पर धोखेबाज नहीं। वाह वाह, क्या बात क्या बात। अक्सर मोस्टली ट्रकों के पीछे ऐसी ऐसी कुछ लाइन्स लिखी होती है जो कि दिलो दिमाग को छू जाती है। आई लव महादेव, वाह मस्त पिक्चर ड्रॉ किया है। टनल नंबर 3, अभी आगे एक ब्रिज स्टार्ट होगा, क्या बढ़िया ब्रिज है, और ये रोड क्या बनाया है जबरदस्त। व्हाट अ लवली ब्रिज इट इज। यहां से लेफ्ट में आएगा स्वार घाट 8 किलोमीटर, और वही का रास्ता देखना है कि कैसा है, क्योंकि मैंने अक्सर 2-3 बार सुना कि स्वार घाट वाले रास्ते पे एक तो ट्रैफिक ज्यादा रहता है और रोड भी खराब है। चलिए दोनों ही देख लेते हैं, ट्रैफिक मिलता है या फिर रोड खराब है, देखा जाएगा। रोड का भी काफ़ी सारा काम चालू है, और इतने में ही एक और टनल आ चुकी, चलिए देखते हैं इसका क्या नंबर है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दिस टनल, टनल नंबर 2। यहाँ पर भी शायद रोड का काम चालू है, इसलिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये टनल भी काफी बड़ी नहीं है, छोटी वाली है। वैसे मजा आता है टनल में राइड करने का, और ऐसी टनल में अगर अपने पास सुपर बाइक हो तो फिर इंजन रेव करने का जो मजा आता है, एग्जॉस्ट नोट कितना बढ़िया लगता है वो, वाओ। बट नहीं है अपने पास अभी सुपर बाइक, अपना बाइक पड़ा है घर पे, क्योंकि हम गए थे लद्दाख, और वहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि हायाबुसा लेके जाना चाहिए यार। एक तो 260 किलो का बाइक, उसके ऊपर आप इतना सामान लोड करो तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वैसे अपने पास दूसरा बाइक है जो कि मल्टीटास्किंग में चल सकता है, तो फिर क्यों हायाबुसा को परेशान करना भाई। सो इसीलिए मैं ये ड्यूक लेके आ गया। वन मोर ब्रिज, यहाँ से नदी काफ़ी बढ़िया दिख रही है, ओपी कैमरा में दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो देख लीजिए। लेकिन ये पहाड़ काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं यहाँ से। और अभी आगे और एक टनल आ रही है जिसका नंबर है टनल नंबर 1। तो शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसके बाद कोई टनल नहीं आएगी, लेकिन देखते हैं आगे आगे क्या होता है। यहाँ पर कोई बड़ी सी मशीन घुस रही है अंदर, काफ़ी मैसिव मशीन है। ये टनल थोड़ी सी बड़ी लग रही है दूसरी टनल होते, लेकिन इसके अंदर आते ही ठंडक इतनी मस्त मिलती है, मज़ा आ जाता है। बहुत ही बढ़िया वाला गेट बनाया है यहाँ पर। चलो यहाँ पर खड़ी करते हैं साइड में। ललित भाई किधर रुक गए ऐसा लग रहा है।
यहाँ से चंडीगढ़ रह गया है 12 किलोमीटर और दिल्ली रह गया 265। और अभी हम लोग हैं चंडीगढ़ के आउटर एरिया में। सो गाइज, अभी रात के बजे है 10 और हमने यहाँ पर स्टॉप लिया है डिनर के लिए 70 माइलस्टोन। चलो कुछ खाते हैं, बाद में बढ़ते हैं आगे दिल्ली की ओर। दिल्ली शायद यहाँ से 190 किलोमीटर रह गया है अभी, तो चलिए पहले डिनर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। चलो, तो 70 माइलस्टोन पे हमने खाए पहले तो ऑनियन कचौरी, फिर दाल कचौरी और फिर क्या खाए, छोले भटूरे खाए। ऑनियन कचौरी काफ़ी बढ़िया थी ऐसा जय भैया बता रहे हैं। तो अभी डिनर लेके सारे के सारे हो चुके हैं फ्रेश और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से आगे निकल जाएंगे, लेकिन देखते हैं अब किधर तक पहुंचते हैं। फिलहाल तो गाड़ी खींचते जा रहे हैं क्योंकि हमें लंबी दूरी तय करनी है। तो अभी मैं और ललित भाई खड़े थे साइड पे पार्क का और जय भैया का वेट कर रहे थे, वो रह गए पीछे। तो अचानक से दो पुलिस वाले बंदे आए और बोले कि वाइट लाइन के अंदर खड़े थे हम लोग, फिर भी बोले कि भाई यहाँ पर आप खड़ा नहीं रह सकते, चालान बनेगा। लेकिन जैसे ही ललित भाई का पहले तो आरसी बुक और लाइसेंस मांगा, वो भी दिखा दिया, फिर बोलते चालान तो बनेगा। लेकिन जैसे ही ललित भाई का कैमरा देख लिया ना, तो फटाक से खिसक लिए। तो कई बार क्या होता है कि हमारी मिस्टेक भी नहीं होती, लेकिन लेट नाइट जब होता है तब ये लोग परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा ख़राब भी होता है, वैसा भी नहीं है, कभी कभी कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे। चलो जो भी है, अगर कैमरा नहीं लगा होता हेलमेट पे तो शायद से हमारा चालान कट ही जाता। सो गाइज, अभी हम लोग पानीपत और सोनीपत के बीच में और रात के बजे है 1:30 और थोड़ी देर पहले ही पार्थ ने बाइक रुकवा के बोला कि भाई अब मेरे से नहीं चलाई जा रही बाइक, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो कहीं पर स्टे ले लेना पड़ेगा। तो फिर हमने हाईवे पे स्टे ले लिया है और बस बाकी राइड करेंगे कल सुबह। तो कल यहाँ से पहुँचने का प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ से जाएंगे पाली, बाकी आगे आगे देखते हैं क्या होता है, किधर तक पहुँचते हैं। तो चलिए, होप कि आपको आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। सो यू नो द ड्रिल, करना है क्या, वीडियो को करना है लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ करना है शेयर, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।